हेलो एवरीवन, आई एम रिद्रन, यू वाचिंग स्काई इज द लिमिट। सो आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे मैकआउट का जो इवेंट सेमेस्टर है आपका, वो होने वाला है। आपको बोल सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज है जून में, तो उसके लिए आपको कैसे प्रिपरेशन लेना है। देखिए, आप लोगों का कॉलेज अभी बंद है, तो इस सिचुएशन में कॉलेज में क्लास करना तो आप बोल सकते हैं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो आपको इस सिचुएशन में कॉलेज का अगर क्लास ना करें आप, तो कैसे आपको पढ़ाई करना है, कैसे इवेंट सेमेस्टर में आपको बहुत ही अच्छा स्कोर करना है, उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। घर बैठे अच्छा स्कोर कीजिए इवेंट सेमेस्टर के लिए। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो का अंत तक देखते रहिए। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लेना, क्योंकि ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट वीडियो इस चैनल में आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो को एक्चुअली मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, तो चलिए वन बाय आपको हर एक चीज़ बता देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कैसे आपको प्रिपरेशन लेना है मैकआउट का इवेंट सेमेस्टर के लिए। तो नंबर वन जो पॉइंट है वो है ऑनलाइन क्लासेस। आप लोगों को कॉलेज से जो ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि मैकआउट से बोल दिया है हर एक कॉलेज को कि ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कीजिए स्टूडेंट्स को, ताकि वो घर बैठे पढ़ सके। पर अगर आपका कॉलेज आपको ऑनलाइन क्लासेस नहीं प्रोवाइड कर रहा, तो आप कॉलेज से बोल सकते हैं सर ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कीजिए, तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो जिन कॉलेजेस में आप बोल सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड किया जा रहा है, उन बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ आपका ऑनलाइन क्लासेस ठीक से फॉलो कीजिए, रेगुलर फॉलो कीजिए, रेगुलरिटी मेंटेन कीजिए, तो आपका सिलेबस ऑटोमेटिकली आप बोल सकते हैं खत्म हो जाएगा। जैसे आपको कॉलेज में खत्म होता है, वैसे ही ऑनलाइन क्लासेस में सिंसियरली हर एक टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, तो उनके क्लास कीजिए, आपको हर एक सब्जेक्ट बोल सकते हैं, हर एक सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। अब आते हैं उन स्टूडेंट के लिए जिनका आप बोल सकते हैं कॉलेज में प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है ऑनलाइन क्लासेस, तो उनको क्या करना है, उनको इजीली यूट्यूब में जाना है, यूट्यूब में वो सब्जेक्ट सर्च करना है। सपोज पकड़ लीजिए इसी का ही बात करते हैं, इसी का अगर माइक्रोप्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर का बात करें, तो सपोज पकड़ लीजिए ये आपका सब्जेक्ट इस बार है, या सपोज पकड़ लीजिए एनालॉग कम्युनिकेशन, तो उसको इजीली नेट में सर्च कीजिए यूट्यूब में। वहाँ पर सर्च करने के बाद आपको वन बाय वन बहुत सारा चैनल्स का बहुत सारा स्टडी आप बोल सकते हैं मटेरियल आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो देख के सीख सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, तो उनसे भी आप सीख सकते हैं। तो पहला क्या बोला, पहला ऑनलाइन क्लासेस जो आपका कॉलेजेस के टीचर्स आप बोल सकते हैं पढ़ा रहे हैं, एंड दूसरा क्या बोला, दूसरा मैंने बोला YouTube से आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको IIT या NIT प्रोफेसर से आपको पढ़ना है, तो आप इजीली वो सब्जेक्ट लिख के पास में NPTEL लिखिए। NPTEL में हर एक टीचर आप बोल सकते हैं IIT या NIT के टीचर्स हैं, या IISc बेंगलोर के हैं, तो वहाँ के टीचर भी आप बोल सकते हैं, आप उनके भी क्लास अटेंड कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है, ऑनलाइन भी क्लास कर सकते हैं या तो फिर आप YouTube में से भी सीख सकते हैं। ये हो गया दो, ये दो टेक्निक से आप सीख सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा आप बोल सकते हैं इवेंट सेमेस्टर आपका होने वाला है, अगर अच्छे से सिंसियरली रेगुलरली आप ये सब क्लास करें। अब अगर बात करें नंबर थ्री पॉइंट का, तो नंबर थ्री पॉइंट है आप बुक पढ़ सकते हैं। सपोज पकड़ लीजिए कोई कोई सब्जेक्ट होता है जो मैक्सिमम थ्योरी बेस्ड होता है, तो वो सब्जेक्ट आपको लेक्चर करने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप अपना कॉलेज के टीचर्स को बोलिए कि PPT आपको देने के लिए ऑनलाइन, या PPT अगर सबमिट नहीं, वो बोल सकते हैं आप लोगों को नहीं दे रहा, आपको सप्लाई नहीं मिल रहा PPT का, तो आप नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नेट में भी नहीं मिल रहा, तो आप बुक से पढ़ सकते हैं हर एक चैप्टर। तो वो थ्योरी बेस्ड जो आपका सब्जेक्ट्स है, उसको आप बोल सकते हैं आप बुक पढ़िए, या फिर कॉलेज के टीचर से बोलिए PPT देने के लिए, तो PPT पढ़ के भी आप बोल सकते हैं वो सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो सकते हैं। तो ये तीन चीज़ अगर आप फॉलो करें, बहुत अच्छे से फॉलो करें, रेगुलरली फॉलो करें, तो आपका इवेंट सेमेस्टर मैकआउट का बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलेंगे कि भैया आपने ऑर्गेनाइजर का बात नहीं बोला। देखिए, ऑर्गेनाइजर इस टाइम में अगर निकल भी जाए, तो आप खरीदने जाएंगे तो वहाँ पे भी भीड़ हो सकता है। तो इस बार मैं बोलूँगा ऑर्गेनाइजर के बारे में उतना ज़्यादा मत सोचिए, जितना आपके पास है उतना ही पढ़िए। और ऑर्गेनाइजर एक दो बच्चा अगर खरीद ले, तो उनसे मांग लीजिए कि ऑर्गेनाइजर हमको आप बोल सकते हैं स्कैन करके, कैम स्कैनर हो किसी भी ऐप से स्कैन करके हमको भेज दे, तो वो हेल्प आप दोस्त से ले सकते हैं। अदरवाइज ये तीन टेक्निक आप अप्लाई कीजिए, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। तो यही था आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके मस्ट बताना, वीडियो अच्छा लगे तो कर देना लाइक, शेयर मस्ट करना, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर लेना, क्योंकि ऐसे ही बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो इस चैनल में आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते वीडियो का यही पेंट करते हैं, तब तक के लिए बाय।